अगर मैं कंपेयर करूँ डिजिटल मीडिया को टीवी या प्रिंट मीडिया के साथ, तो टीवी तकरीबन 24 घंटे में से आपको 12 घंटे इश्तिहार दिखाता है। अक्सर तो ये कहा जाता है कि वो 12 घंटे से ज़्यादा इश्तिहार दिखाता है और बाकी जो कंटेंट बचता है तकरीबन 10 या 12 घंटे का कंटेंट आपको दिखाया जाता है। प्रॉब्लम टीवी के साथ ये है कि उसके पास टाइम नहीं है, इसीलिए वो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिखाना चाहते हैं और कम से कम जितना भी टाइम उनके पास अवेलेबल है वो उसमें उतने ही उन्होंने पैसे बनाने होते हैं। सो कहीं किसी वक्त किसी ज़माने में टीवी पे तकरीबन 3 से 4 घंटे का इश्तिहार थे और बाकी सारा कंटेंट होता था, लेकिन अगर आपने नोट किया हो, आप टीवी देख रहे हो, तो आप तकरीबन जितने इश्तिहार देखते हैं उससे कम आप कंटेंट देखते हैं। यही प्रॉब्लम प्रिंट के साथ भी है, क्योंकि प्रिंट में नंबर ऑफ़ पेजेस लिमिटेड होते हैं और जितनी वो ज़्यादा खबरें दिखाएँ उतना इश्तिहार कम हो जाता है, अगर वो इश्तिहार ज़्यादा करें तो खबरें कम हो जाती हैं। सो ये प्रॉब्लम्स आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में नज़र आती हैं, लेकिन डिजिटल में ये प्रॉब्लम नहीं है। सो डिजिटल मीडिया में आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप वर्चुअली अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ पेजेस बना सकते हैं, क्योंकि डिजिटल में ना तो आपके पास जगह का मसला है ना तो आपके पास टाइम का मसला है। सो आप जितने पेजेस बनाएं क्रिएट कर लें। अक्सर मैंने ये देखा है कि लोग ज़्यादा पेजेस पे बिलीव नहीं करते, वो कंटेंट क्रिएट नहीं करते, उनको लगता है कि जितना है उतना काफ़ी है, जबकि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ये अंडरस्टैंड करें कि किस तरह से कंटेंट ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादा कंटेंट एक तो आपके पास लिमिटेशन नहीं है, जब आपके पास लिमिटेशन नहीं है तो आपको कौन रोक रहा है कि एक प्रोडक्ट के बारे में आप 4 बातें करें, आप 8 बातें करें या उसको 8 दफ़ा डिफरेंट एंगल से उनको शो करें। क्योंकि हमने जब सर्च की बात की थी तो हमने ये देखा था कि लोग एक चीज़ को एक ही तरीके से नहीं ढूंढते, वो मुख्तलिफ अल्फाज यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ एंगल से बात करते हैं, उनका अपना तरीका होता है सर्च करने का, और ये सब चीज़ें आप अपनी वेबसाइट पे इंक्लूड कर सकते हैं अगर आपके पास स्पेस और टाइम की लिमिट ना हो, जो कि नहीं है। सो इसीलिए रिकमेंडेड ये है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस क्रिएट करें अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सप्लेन करने के लिए, यहाँ तक कि अपनी सारी कंपनी या जो जो आप दिखाना चाहते हैं यूज़र्स को उन सबको एक्सप्लेन करने के लिए। आपकी वेबसाइट आपका एक वर्चुअल फेस है, अगर आप उस वर्चुअल फेस पे टाइम नहीं लगाएंगे, उस पे जगह नहीं देंगे तो आप मिस करेंगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आप खुद को खुद ही रोकेंगे। तो अगर आपका कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं भी है तो आप उसको भी कन्विंस करें, और अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत नहीं है तो आप खुद को भी कन्विंस करें, क्योंकि ये एक आपके मेंटल बैरियर है, ये सिर्फ आपको लगता है कि ज़रूरत नहीं है, जबकि मैं ये चाहूँगा कि आप उतने पेजेस तो लाजमी क्रिएट करें जितनी ज़रूरत है, लेकिन फिर इसको और भी ग्रो करें, क्योंकि जितने पेजेस आप ग्रो करेंगे या जितने ज़्यादा पेजेस आप क्रिएट करेंगे उससे गूगल को भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो ज़्यादा लोगों को ज़्यादा सर्चिज़ के अगेंस्ट आपको दिखा सके। सो किसको ज़्यादा ट्रैफिक या ज़्यादा पैसे आते दुखते हैं? अगर आपके पेजेस ज़्यादा होंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी, आप ज़्यादा लोग डिफरेंट चीज़ें पढ़ के शायद कन्विंस हो जाएं आपसे, और ये भी आपने देखना है कि आपका कंपेटिटर या आपके क्लाइंट का कंपेटिटर कितने पेजेस क्रिएट कर रहा है। अगर वो 10 कर रहा है तो आप 20 क्यों नहीं कर सकते? अगर वहाँ 10 से वो ₹1,000 या $1,000 कमा रहा है तो आप 20 से $2,000 या $2,000 क्यों नहीं कमा सकते? सो ये सब चीज़ें नंबर की गेम है, और अगर आपके पास ज़्यादा कंटेंट है तो ज़रूर करें, बल्कि डेफिनेटली करें, क्योंकि ज़्यादा कंटेंट ज़्यादा अच्छी SEO लेके जाएगा। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपने कंटेंट क्रिएट करना है आप जितना मर्जी कंटेंट क्रिएट करें, लेकिन आपके एक पेज का कंटेंट दूसरे पेज के कंटेंट के ऊपर रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कंटेंट रिपीट हुआ तो डुप्लीकेट हो जाएगा और गूगल उसको प्लेजरिज्म काउंट करेगा। प्लेजरिज्म यानी कि कंटेंट की चोरी आप नहीं कर सकते, गूगल आपको मना करता है और आपकी SEO को नुकसान हो सकता है अगर आप कंटेंट कॉपी करेंगे। तो जब तक कि आप कंटेंट कॉपी नहीं कर रहे आप न्यू इन्फॉर्मेशन या यूनिक इन्फॉर्मेशन क्रिएट करते चले जाएं, क्योंकि यही आपकी दुनिया है और इस दुनिया को आपने विन करना है। आप जितना ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करेंगे उतना आप ऊपर जाएंगे।